नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 21 मई शुक्रवार का दिन है। सबसे पहले सुर्खियां। आर्मी के दक्षिण नेवल कमांड के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम का डिजाइन बनाया है। ये मेडिकल ऑक्सीजन की समस्या से निजात दिला सकता है। भारत के पूर्व तेज धावक मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से वो अपने घर में आइसोलेट हो गए हैं। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। दुष्कर्म केस में सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोरोना के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। अब खबरें देश और दुनिया से। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। इससे राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना डायबिटीज भी दे सकता है। जिन्हें कोरोना से पहले शुगर नहीं थी, उन्हें बाद में डायबिटीज हो सकती है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 12 दिन से जारी जंग शुक्रवार को थम सकती है। इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि दुनिया के कई देशों की कोशिश जल्द रंग ला सकती है। इसराइल और हमास संघर्ष विराम के करीब पहुंच चुके हैं। इस जंग में अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए TTT यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को रिकॉर्ड 20,55,010 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते समुद्र में डूबे जहाज P305 पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन था। अब तक जहाज में सवार 49 लोगों के शव नेवी को मिले हैं। 26 लापता की तलाश जारी है। INS कोची समेत 5 INS जहाज रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। IT डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। भारत के पूर्व कप्तान और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ के गाइडेंस में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा कर सकती है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए BCCI नई टीम भेजेगी। द्रविड़ इस नई टीम के साथ जुड़ेंगे। आज की ब्रीफ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। खबरों के लिए जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो।